हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक बर्निंग टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। कोविड के इस पीरियड में जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हमारा आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन ये क्या है। पहली बात तो ये कि इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता को। इम्यूनिटी मीन्स होता है प्रतिरोधक क्षमता। ये प्रतिरोधक क्षमता क्या है? आपके शरीर की, हमारे आपके शरीर की जो किसी भी डिजीज से लड़ने की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। जिसकी ज्यादा इम्यूनिटी होगी वो हर तरह के माहौल में रह लेगा और हर तरह के डिजीज से लड़ लेगा। कभी आपने स्लम बस्ती में, गंदी मलिन बस्तियों में घूमकर देखा होगा कि जहां पर ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर भी प्रॉपर नहीं है, डिजीज जो फैल की कोई चिंता ही नहीं, कौन सा डिजीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैल रहा है नहीं फैल रहा है, इसकी उनको कोई चिंता होती नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इतने ज्यादा इन्फेक्टेड भी नहीं होते। आप कभी उनके लाइफ स्टाइल देखें तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये यहां रहने के लिए हैबिचुएट हो गए हैं। तो ये बात सच भी है, क्योंकि उनके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो इस तरह से डेवलप हो गया है कि वो किसी भी तरह की डिजीज से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेता है। और इसी को कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हर तरह के माहौल में अभी अपने आप को बचा लेना, ये हाई इम्यूनिटी को प्रदर्शित करता है। इस पीरियड में जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तरह तरह की कंपनियां तरह तरह के इम्यूनिटी बूस्टर बना के बेच रहे हैं और ये कहते हैं कि इसको खाने से, इसको पीने से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी डेवलप करने के कई तरीके होते हैं लाइफ में। फर्स्ट, बैलेंस्ड डाइट जो लोग लेते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, अच्छी हेल्थ है। लेकिन जो सबसे अच्छा और सब बेस्ट तरीका है दैट इज वैक्सीनेशन, और आज हम लोग इसी वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। इन सब के ऊपर तो कभी भी चर्चा हो सकती है, कभी भी बात हो सकती है। आज हम लोग जो टॉपिक चूज करना है हमें, या जिसमें डिस्कस करना है, दैट इज वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीन है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई? 18वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप में एक बीमारी फैली जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। आपकी भाषा में, हमारी आपकी भाषा में इसको कहेंगे चेचक। और यह बीमारी इतनी घातक थी कि हर साल करीब 400,000 यानी 4,00,000 लोग, पीपल मरते थे, इससे मर जाते थे, और कई 1/3 ब्लाइंड हो जाते थे, अंधे हो जाते थे। और उस समय एंटीवायरल ड्रग कुछ थी नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। हर आदमी जब इन्फेक्ट होता था तो परेशान ही रहता था और कभी भी मौत हो सकती थी, इतना सीवियर यह डिजीज माना जाता था एट दैट टाइम। उसी समय इंग्लैंड में एक डॉक्टर आए, जो नए नए यंग डॉक्टर थे, नाम था उनका डॉक्टर एडवर्ड जेनर। वो भी रिसर्च में लगे थे कि क्या इसकी कौन सी दवा दी जाए। अचानक उनको एक डेयरी मेड जो मिल्क सप्लाई करता था, उसने उनसे एक बात कही। उसने कहा कि साहब, हमारे हाथ में कुछ दाने निकल आते हैं जो गाय के मिल्किंग के समय गाय से हमारे में आ जाते हैं। डॉक्टर जेनर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस समय एक बीमारी और थी इसी के साथ,
जो काऊ में होती थी और उसको कहते थे काऊ पॉक्स। इसमें काऊ के अडर में यानी थन में छोटे छोटे घाव हो जाते थे, लेजन्स हो जाते थे। और मिल्किंग के टाइम में जो मिल्क मेड होते थे, जो डेयरी के मेड होते थे, उनके हाथों में भी कभी कभी ये दाने हो जाते थे, और उसके बाद फिर उनको ये बीमारी नहीं लगती थी। अब ऐसा तो कोई साइंटिफिक रीजन उस समय नहीं था, लेकिन वो आके मिल्क मेड जो है वो ये बताते थे कि सर इसको हमें जब ये बीमारी हो जाती है तो ये बीमारी हमें नहीं होती, और हमारी पूरी कॉलोनी में जहां पर भी डेयरी वालों की बस्ती है वहां पर ये बीमारी नहीं होती, किसी को नहीं। डॉक्टर एडवर्ड जेनर रिसर्च में लग गए और उन्होंने पाया कि जहां जहां पर भी ये है इसके कॉलोनीज डेयरी की, वहां पर लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। इस बात की बाद में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दिन काऊ पॉक्स की इन्फेक्टेड एक नीडल थी और उससे उन्होंने 8 साल के एक 8 ईयर के बॉय को एक छोटा सा स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच करने पे क्या हुआ कि एक दिन बाद देखा कि उसके स्क्रैच काफी स्वेलिंग आ गई। स्क्रैच में क्या हो गई, एक बम्प हो गया, स्वेलिंग आ गई। लेकिन उसके बाद फिर जल्दी रिकवर भी हो गए, वो रिकवर्ड वेरी फास्ट। अब उन दिमाग में उनके कुछ आया कि इसका मतलब है कि इसके अंदर इस डिजीज की एंटीबायोटिक बन गई है। बाद में इसी पर रिसर्च शुरू हुआ और 1798 में फर्स्ट वैक्सीन बनके तैयार हुई जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए थी। बाद में डॉक्टर लुई पाश्चर ने ए वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर किया। अब ये क्या है, एक्चुअली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज कीजिए स्मॉल पॉक्स के ऐसे वायरस जो कि अपनी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खो चुके हैं, उनको कहते हैं ए वायरुलेंट। ऐसे वायरस जो अपनी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खो चुके हैं उनको कहते हैं ए वायरुलेंट, बट स्टिल लेकिन उनके पास अभी भी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कास करने की इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यूनिटी कास करने की जो पावर है वो स्टिल प्रेजेंट थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से उन्होंने उनको उनका इनोकुलेशन शुरू किया हेल्दी पर्सन्स में, और ये पाया कि जो है जिसके जिसके भी अंदर इनका इनोकुलेशन या इंजेक्शन होता है उनके अंदर फिर डिजीज ये नहीं होती, और यहीं से शुरुआत हुई इम्यूनिटी बूस्ट इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन की या वैक्सीनेशन की। अब वैक्सीनेशन का नाम कहां से पड़ा, इन लैटिन वर्ड वैक्का मीन्स होता है काऊ, और काऊ पॉक्स को कहते हैं को लैटिन में कहते हैं वैक्सीनिया, और काऊ पॉक्स की इम्यूनोजेनिसिटी को कहते हैं वैक्सीनेशन। तो यहीं से इसकी शुरू हुई वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन आज आप जान रहे हैं इसका एक ड्राइव चल रहा है अगेंस्ट कोरोना, यानी कि कोरोना के भी या तो डेड
या ए वायरुलेंट वायरस जो होते हैं उनसे उनकी जो इम्यूनोजेनेसिटी है उसी को यूज करके वैक्सीन बनती है, और इसी को हेल्दी पर्सन में लगाने पर फिर वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द डिजीज। एंटीबॉडी बन जाती है और फिर वो डिजीज उनके अंदर नहीं होता। एक बार अगर उनके अंदर इनोकुलेशन हो गया तो उनके अंदर सेल्स जो है वो मेमोराइज कर लेती हैं उस पार्टिकुलर डिजीज को, और जब भी वो डिजीज का कुकास करने वाला ऑर्गेनिज्म आया उसके अगेंस्ट वो तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। इसी को कहते हैं वैक्सीनेशन, और इसीलिए वैक्सीन के लिए पूरा कंट्री लगा हुआ है। वैक्सीनेशन की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की, और 1980 में यह कह दिया गया कि यह इरेडिकेट हो गया, यानी वर्ल्ड से खत्म हो गया यह डिजीज, ऐसा कहा गया। छिटपुट बाद में केस मिलते रहे ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से जो उसका लहर थी, जो वेव थी, वो फिर नहीं आई। अब ये दो तरह से बनते हैं, या तो इनएक्टिवेटेड यानी कि ऐसे वायरस जो डिजीज काजिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके हैं, है तो लाइफ है तो लिविंग बट डिजीज काजिंग कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हेपेटाइटिस से ए वगैरह, पोलियो, बीसीजी, डीपीटी एटसेट्रा, इन डिजीज से लड़ने के लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेड से बनते हैं, डेड वायरस। डेड वायरस के भी कई एग्जांपल हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा एटसेट्रा। लेकिन ये लिविंग वाले ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डेड वायरस। ठीक, तो ये था छोटी सी स्टोरी अबाउट वैक्सीनेशन, अबाउट इम्यूनाइजेशन। ये एक बर्निंग टॉपिक है, कभी भी इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।